नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बी एन 24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और इस वक्त हम पहुंचे हैं असंध पुलिस स्टेशन में। एक मामला आया है दुकान को लेकर, जमीनी विवाद जिसे हम कहें कि असंध के अंदर एक दुकान को लेकर इशू हुआ है और जो दुकानदार है उन्होंने आरोप लगाया है। दुकान पर आते हैं और उन्हें तहिया उन्हें धमकी दी जाती है, देख लेने की बात कही जाती है, उसी को इशू लेकर अब पहुंचे हैं असंध पुलिस स्टेशन में। तो आइए बातचीत करते हैं लोगों से, आखिर क्या है पूरा मामला। आपको तो धमकी दी गई, क्या धमकी सर ये दी गई, ये दुकान हमारी है, आपने किराए पे ले रखी थी, इसको खाली करो। ये तो कितनी देर वहाँ पे रहे हम 97 से सर वहाँ पे है। तो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह है? सब कुछ डॉक्यूमेंट है जी, रजिस्ट्री है जिससे हमने खरीदी हुई है, उनकी बैग रजिस्ट्री भी है, फुल पेमेंट एग्रीमेंट भी है, उस एग्रीमेंट में हमारा जिक्र भी है सारा कुछ, कागज 20 का बिल, बिजली का बिल 96-97 से हमारे नाम है, हाउस टैक्स हमारे नाम है, प्रॉपर्टी आईडी हमारे नाम है, सब कुछ हमारे नाम है सर। धमकी देने वाला कौन था? धमकी देने वाला जी अब पता चला जी, उसका भी कोई गुजरात के डेरे पे कोई डेरा है, नील वाला गुरलाल उसका नाम है, वो धमकी देगा जी सुबह तेरे को देख लेंगे हम, नहीं तो हमारी दुकान खाली कर दे, ये तुम्हारे लिए और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं है। और किस चीज को धमकी दी वहाँ पे? वो एक मेरे साथ पड़ोसी दुकानदार है, उनको भी धमकी दे गई है, आनंद है जी। और ये दुकान हमने उनके रिश्तेदारों से ही परचेज की हुई है और उस जोन के पास स्टाम है, उन स्टाम में हमारा ब्योरा भी है जिनसे हमने खरीदी हुई है और उनका तो है ही है। आप एक चीज बताएं, जब प्रशासन के पास तो क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने आश्वासन दिया है भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी आपकी, उनके खिलाफ पूरी सिक्योरिटी देंगे जी। अभी पुलिस सिक्योरिटी भी कहा है एसएचओ साहब ने, एसएचओ ने कहा अभी सिक्योरिटी देंगे आपको, जिप्सी खड़ी करवाएंगे। अब खतरा तो सर जान के आई, अब अकेले बैठे हैं दुकान पे रात को 9 बजे, अब वो कल भी 8:15 बजे रात को आया है, अब 10 बजे दुकान बढ़ाते हैं, खतरे ही अकेले घर जाते हैं, सारा कुछ है। कई बार हम अकेले बाहर अंदर भी जाना होता, भी बच्चे भी बैठते हैं, सारे काम है, चोट चाट भी लग सकती है जी सर किसी के। वो अकेला दुकान पे अकेला ही आया था, बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी दूर कहीं, ये लगभग शाम को कल 8:15 बजे की बात है जी रात की। सब जिस तरह से शहर की धमकियां दी जा रही है, माहौल खराब हो रहा है, क्या कहूँ? ऐसा है जी, प्रशासन का बैग खत्म हो चुका है, प्रशासन नाम का अनुभव नहीं हो रहा है। चलो ये कह रहे हैं दुकान उनकी है, कानूनी प्रक्रिया के लिए ले लो, अगर उनको भय होता ये धमकी थोड़ा देने दे, पूरे परिवार को कुछ हो गया तो क्या होगा? पूरा शहर डर गया जी, पूरा शहर ये खड़ा है यहाँ पे अभी, सारा सारी मार्केट, पूरे सारे व्यापारी यहाँ खड़े हैं, पूरा शहर डर गया, इससे इतना भयभीत हो चुका है जी पूरा शहर, ये भय पैदा कर रहे जी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो और इनको सिक्योरिटी दो, सरकार का फर्ज है ये। पूरी परिवार मारपीट कुछ नहीं हुई, धमकी दे के चले गए, वो कहने लगे जी ऐसे ऐसे अब ये दुकान हमारी है, इसको सवेरे खाली कर दो, नहीं खाली करोगे तो आपको और आपके पूरे परिवार को जान से मार देंगे, ये धमकी मिली है। कौन लोग थे जी वो? वो जी एक अपना ये अपना नील वाले बाजे गुरलाल सिंह है उसका नाम जो है। क्या रंजिश आपकी? रंजिश कुछ नहीं है जी, हमारी जमीन है जी, 1971 मेरे फादर साहब ने रखी है जी वो जमीन, उसके बाद जो हमारे पास फुल पेमेंट एग्रीमेंट था जी, हमने फुल पेमेंट एग्रीमेंट के तहत अपनी रजिस्ट्री हमने जो भाई कोर्ट करवानी समझी, हमने कोर्ट के थ्रू उनके पास नोटिस भिजवा दिया, उन्होंने आकर ये बोले नोटिस क्यों भिजवाया आपने, हमारे पास नोटिस नहीं भिजवाना, नोटिस क्यों भिजवाया आपने, नोटिस भिजवाया हमारी जमीन खाली करो, इस वजह से हमारे को धमकी दी गई है। नोटिस से नाराजगी? नोटिस कोर्ट से जो नोटिस आता है ना जी रजिस्ट्री के लिए, आप इनके आगे रजिस्ट्री कराओ, फुल पेमेंट एग्रीमेंट था सर हमारे पास ही, उसकी वजह से उन्होंने अभी नोटिस क्यों भेजा हमारे पास। तो आपने शिकायत दी पुलिस थाने? कल रात से यहाँ फायर लॉज कर दी थी, उसके बाद आज भी खड़े हैं जी हम, और जो हमारी अभी दुकानदार और व्यापारी पहुंचे हैं, अब पुलिस से क्या मांग रहे हैं? पुलिस से हम यही मांग रहे हैं कड़ी से कड़ी सुरक्षा मिले और उनको उनके साथ कड़ी से कड़ी, जो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी जो हमारे साथ ये हाल किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो आपकी शिकायत थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई जब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, अभी तक जो है पुलिस प्रशासन कह रहा है जी अभी वो आने वाले हैं, घंटे में आ जाए, आधे घंटे में आ जाए, आते आपके सामने पेश कर देंगे, हम उससे बात करेंगे, उन्होंने टाइम ले रखा है जी। और आपकी क्या मांग रहेगी? बस यही मांग रहेगी जी मार्को जो है ना जी पुलिस प्रशासन मिल जाए और ये आगे जो शहर में ऐसे ही गुंडागर्दी अफवाह और ये ना हो, हम तो ये बात चाहते हैं सुरक्षित शहर रहे हमारा, हमारे समय में बहुत ज्यादा असुरक्षित हो चुकी है, यह सुरक्षा ना हो, माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, इस माहौल से सारे में मतलब दहशत फैल चुकी है, व्यापारी दुकान भी 7 बजे बंद करने लगे जो 10-10 बजे करता था, उनके दिमाग में बात अभी 7 बजे पीछे पता नहीं क्या हो जाता है, इस ये चीज ना हो, शहर बिल्कुल आराम से सुख सही रहे हमारी यही कामना है, इसी ये हम चाहते हैं जी। कोर्ट से वो डर नहीं रहे हैं, पुलिस प्रशासन से डर नहीं है, अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, इसका तो मतलब यही है जब हम 50 साल से पूरे आज के नहीं 50 साल से बैठे हो तो एकदम खाली कर लेगा तो ये तो कोई औचित्य नहीं होता भी आप।
जगह खाली करो। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो शहर के अंदर विश्वास के साथ लोगों ने अपना आश्वासन दिया है कि पूरा सहयोग करेंगे, राइडर वहाँ खड़ा करेंगे और होना भी चाहिए, व्यापारी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। शहर के डॉक्टरों को